हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हुई यार आप सभी सभी। सो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिप फायर सेंसिटिविटी के बारे में। अगर आप क्रॉस हेयर प्लेसमेंट अच्छा नहीं कर पाते हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका सेंसिटिविटी में कोई दिक्कत है, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो उसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। गाइस अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले गाइस क्रॉस हेयर जो रहता है ना गाइस, उसका प्लेसमेंट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी आपका मतलब अच्छे तरीके से क्रॉस हेयर प्लेसमेंट नहीं होता, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्रॉस हेयर विजिबिलिटी है, मतलब आप जो क्रॉस हेयर यूज़ कर रहे हो उसका कलर क्या है, ठीक है, वो भी मैटर करता है गाइस। क्योंकि जब बंदों के हेड में आप मारते हो या फिर बॉडी में मारते हो, तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, फेदर जो रहता है ना बंदों के बॉडी से निकलता है गाइस फेदर, ठीक है, वो BGMI में ऐड हुआ है गाइस, पबजी मोबाइल में ऐड नहीं हुआ है। तो पहले तो हम लोग पबजी मोबाइल खेलते थे, लेकिन अभी BGMI है तो वहाँ से फेदर वगैरह निकलता है। तो उसके लिए गाइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका क्रॉस हेयर का कलर। तो आप अपने हिसाब से रख लेना गाइस, दिखा दे दो गाइस आपको कहाँ से चेंज करना है। देखो गाइस स्कोप पे यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखो गाइस बहुत सारे कलर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपके हिसाब से आप कर लेना, देख लेना ध्यान से कि कौन सा कलर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बंदों का अलग अलग सूटेबल रहता है ना गाइस, जैसे कि मेरा नीला है, ठीक है। अगर मैं किसी बंदों को मारूँ तो मेरा जो नीला ज़्यादा जो कलर है गाइस, वो मेरे को आराम से दिखा देता है कि हाँ ये हेड है, यहाँ पर मारना है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मान लो आप गोली चलाते चलाते क्रॉस हेयर को ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो है देखो, पहले तो हिप फायर देख लो आप अपना हिप फायर से हिसाब से देख लेना। पहले मैं अब जैसे आपको दिखा रहा हूँ, मेरा सेंसिटिविटी भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं आपके सामने ही परफेक्ट करूँगा, ठीक है। और ऐसा भी बहुत सारे बंदों के साथ होता है गाइस, जैसे कि क्रॉस हेयर में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो क्रॉस हेयर है वो मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन क्रॉस हेयर ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है, तो मुझे ज़्यादातर बॉडी को मूव करवाना पड़ रहा है, मतलब बॉडी के साथ क्रॉस हेयर मूव करना पड़ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर बंदे चाहते हैं अपने बॉडी को ज़्यादा मूव ना करके अपने क्रॉस हेयर को सही करें, मतलब उसका एम चोक ना हो, तो उसके लिए है गाइस ये सेंसिटिविटी हो गई। अब बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट में बोलेंगे कि गाइस मुझे पता है कि ये रेड डॉट जो गन में, जो मतलब पकड़ लो मैंने रेड डॉट लगाया इस गन पे, ठीक है, अब मतलब मैं रेड डॉट की क्लोज रेंज पे यूज़ करता हूँ, क्रॉस हेयर भी रेड डॉट पे ही रहता है, मतलब जो गन यूज़ करता हूँ क्रॉस हेयर तो मैं रेड डॉट का ऑब्वियसली यूज़ करूँगा, तो रेड डॉट का सेंसिटिविटी ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत सारे बंदों का ये लगता है। तो देखो गाइस यहाँ पे देखो क्रॉस हेयर का कोई फ़र्क पड़ा, एग्जैक्टली सेम है ना गाइस, तो फ़र्क किस में पड़ा वो सेंसिटिविटी बढ़ाने के बाद, तो देखो गाइस फ़र्क पड़ा इसमें। देखो गाइस जो मैं पीक करके जो मूव कर रहा हूँ इसका फ़र्क बढ़ गया, मतलब ये सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ जो भी था मेरा, ठीक है, इसको मैं नॉर्मल कर दिया। तो गाइस अब बात करते हैं जो क्रॉस हेयर सेंसिटिविटी है वो असलियत में है कहाँ। तो गाइस ये है गाइस, देखो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रुको गाइस थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, ओके, तो देन मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये मैं सेंसिटिविटी में, और यहाँ पे देखो गाइस ये है गाइस कैमरा, ठीक है, कैमरा मैं अभी ज़ीरो कर देता हूँ। देखो गाइस कैमरा मेरा रेड डॉट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, तो आपको मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि अब कैमरा को हाथ मत लगाना, क्योंकि कैमरा का सेंसिटिविटी अगर खो गया तो फिर नहीं मिल सकता आपको। बढ़ाना क्या है, ADS बढ़ाना है, कैमरा को गलती से भी हाथ मत लगाना जो भी कैमरा का सेंसिटिविटी रहता है। ये मूवमेंट है, मतलब फायर करने का मूवमेंट नहीं है, फायर करने का मूवमेंट है गाइस ये वाला, ये जो है ADS थर्ड पर्सन। अभी मैं इसको एक कर दिया, देखो गाइस ये मूव हो रहा है, लेकिन मतलब नॉर्मली मूव हो रहा है, लेकिन फायर करने के बाद ये एकदम पूरा स्टेबल हो जा रहा है, एकदम खड़ा हो जा रहा है। तो इसी को आपको सेट करना है, लाइक जिस तरीके से आप इसे सेट करना चाहते हो प्रैक्टिस वगैरह करके, जैसे कि मेरा अभी 130 मैंने किया। देखो गाइस अब मैं नॉर्मली जैसे जैसे तैसे मैं क्रॉस हेयर को मूव कर पा रहा हूँ आराम से, मेरे को कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा, और जिगल वगैरह भी मैं आराम से कर सकता हूँ। और जंप शॉट जिन लोगों को प्रैक्टिस वगैरह करना होता है ना, जंप करके हेड शॉट मारना, तो उन लोगों के लिए भी गाइस ये मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, मतलब थोड़ा सा भी चूक ना होना चाहिए गाइस। और मैं जायरो वालों को भी मैं बता देता हूँ गाइस, जायरो वालों को क्या करना है। देखो गाइस जो लोग जायरो यूज़ करने के बाद भी राइट साइड के स्क्रीन को यूज़ करता है, मतलब घिसता है एम करने के लिए, उन लोगों के लिए ये सेंसिटिविटी काम में आएगा गाइस, मतलब जो मैंने दिखाया अभी मैं इसको 300 कर देता हूँ, ठीक है। देखो गाइस मेरा क्रॉस हेयर भी कितना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा गाइस देखो फायर करते वक्त, नॉर्मल वक्त नहीं, फायर करते वक्त, ओके। देखो गाइस फायर करते वक्त मेरा बहुत जल्दी हो रहा है, तो ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, तो मैं इसे नॉर्मल कर दूँगा।
नहीं तो गाइस स्कैम हो जाएगा मेरे साथ। अब मैं दिखा देता हूँ गाइस जायरो वालों का क्या करना है, ठीक है। मतलब जो टैब वगैरह भी नहीं करते, ओनली जायरो पे डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है जायरोस्कोप के, उसके बाद ADS को ऑन कर देना है। और यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है तो वो जो मैंने दिखाया यहाँ पे भी सेम करता है, लेकिन जायरो में करता है। तो गाइस आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा जो मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर से कमेंट में बताना गाइस। और ये वीडियो अगर आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगा है तो ये भी ज़रूर से बता देना गाइस कमेंट में। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है वीडियो से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट कर लेना गाइस। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।